हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी कर डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है मैं हूं प्रभाकर और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों 17 जुलाई 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स तो ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को इस लेक्चर के अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशन डिस्कस करते हैं मोटिवेशन है सफलता का कोई मंत्र नहीं है यह सिर्फ परिश्रम का फल है दोस्तों वास्तव में अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा और वो भी कठोर परिश्रम करना पड़ेगा लगातार परिश्रम करना पड़ेगा तभी सफलता मिल सकती है केवल सपने देखने से सफलता नहीं मिल सकती है तो आज के इस लेक्चर का हमारा टारगेट है 150 लाइक का तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस लेक्चर को चलिए देखते हैं पहला करेंट ध्यान से सुनिएगा पहला करंट अफेयर्स क्या है हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेखा सीकरी का निधन हो गया है वह क्या थी तो आंसर होगा दोस्तों इसका अभिनेत्री दोस्तों सुरेखा सीकरी को तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है तो ये तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली अभिनेत्री हैं दोस्तों इनकी फिल्में कुछ हैं ध्यान से सुनिएगा तमस मम्मो जुबेदा और बधाई हो इनकी प्रमुख फिल्में हैं और इनका बहुत ही फेमस एक डेली सॉफ्ट था जिसको बालिका बधू के नाम से जाना जाता है और बालिका बधू में जो इन्होंने अभिनय किया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों हाल ही में कुछ निधन हुए हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं जैसे यशपाल शर्मा वो क्या थे दोस्तों क्रिकेटर थे पी के बॉरियर ये क्या थे आयुर्वेदाचार्य थे वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे केशव दत्त एक हॉकी प्लेयर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है दिलीप कुमार कौन थे दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता थे एम प्रसन्नन ये क्या थे दोस्तों फुटबॉलर और राज कौशल क्या थे दोस्तों फिल्म निर्माता जिनका हाल ही में निधन हुआ है कुछ और निधन डिस्कस करते हैं मुफ्ती फैजुल बहीद इनका भी हाल ही में निधन हुआ है इनकी एक विशेषता थी कि इन्होंने कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद किया था मिल्खा सिंह का भी हाल ही में निधन हुआ है ये भारत के महान धावक थे संचारी विजय का भी निधन हुआ है ये कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता थे दोस्तों महावीर चक्र प्राप्त रघुवीर सिंह का भी हाल ही में निधन हुआ है चलिए दोस्तों करंट अफेयर्स देखते हैं। बहुत ही करंट अफेयर्स है। भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है तो आंसर होगा इसका भूटान दोस्तों भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में भूटान में लॉन्च किया गया है और भूटान एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां रुपे कार्ड भी चलता है और भीम यूपीआई भी चलता है दोस्तों ये यूपीआई कैसे काम करता है इसको हम समझ लेते हैं यूपीआई सिस्टम तत्काल भुगतान सेवा यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस पर काम करता है अगर आपको किसी का तत्काल पेमेंट करना है तो उसके लिए आपको जरूरत होगी किसकी यूपीआई की और यू नेट बैंकिंग में काम करती है दोस्तों यहां पर बात आई है भूटान की तो भूटान के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं भूटान की राजधानी है थिंपू राजभाषा है जोंडखा राजा कौन है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा जिगमे खेसर नागयाल वांगचुक और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है लेते हैं भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है यानी भारत और भूटान के बीच की सीमा कितनी है 699 किलोमीटर और भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो भूटान की सीमा को छूते हैं तो ध्यान से सुनिएगा उनके नाम असम अरुणाचल प्रदेश पश्चिम बंगाल और सिक्किम चार राज्य भारत के ऐसे हैं जो भूटान की सीमा को छूते हैं तो असम की जो सीमा है भूटान के साथ वो है दो किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर की सीमा बनाता है भूटान के साथ पश्चिम बंगाल एक किलोमीटर की सीमा बनाता है और सिक्किम केवल बत्तीस किलोमीटर की सीमा बनाता है भूटान के साथ अगला करंट अफेयर्स है ध्यान से सुनिएगा हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है दोस्तों आंसर होगा इसका गुरुग्राम देश का पहला ग्रैंड एटीएम ग्रैंड माने होता है अनाज ग्रैंड एटीएम कहां खोला गया है दोस्तों गुरुग्राम में और यह एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है यह मशीन एक बार में पांच से सात मिनट के भीतर सत्तर किलो तक अनाज निकाल सकती है दोस्तों हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है दुष्यंत चौटाला तो उन्होंने कहा है कि अब उपभोक्ताओं को खादान्य के लिए यानी अनाज लेने के लिए सरकारी राशन डिपो के सामने कतार नहीं लगानी पड़ेगी क्योंकि हरियाणा सरकार उपभोक्ताओं को अनाज एटीएम उपलब्ध कराएगी अब होगा क्या दोस्तों कि अब जो सरकारी राशन डिपो होता था उसके सामने लोग नहीं जाएंगे अब एटीएम होगा उसमें आपको अब उसकी जानकारी भरनी होगी उसके बाद आपको अनाज मिल जाएगा तो पर बात आई है हरियाणा की तो हरियाणा के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं हरियाणा की स्थापना हुई थी एक नवंबर 1966 को कैपिटल चंडीगढ़ है और हरियाणा में 22 जिले हैं और यहाँ के गवर्नर कौन है ध्यान से सुनिएगा इनका नाम बंडारू दत्तात्रेय चीफ मिनिस्टर कौन है मनोहर लाल खट्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है दुष्यंत चौटाला यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें हैं वो है नब्बे और राज्यसभा की सीटें पांच हैं और लोकसभा की सीटें कितनी हैं दोस्तों दस सीटें हैं अगला करंट अफेयर्स देखने से पहले हम हरियाणा से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है ध्यान से सुनिएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए महिला हॉकी टीम में हरियाणा की नौ खिलाड़ियों को चुना गया है जो महिला हॉकी टीम है उसमें केवल हरियाणा की नौ खिलाड़ी चुनी गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों हरियाणा में संजीवनी परियोजना शुरू की गई है कहा संजीवनी परियोजना शुरू की गई है दोस्तों हरियाणा में और इसमें क्या होगा संजीवनी परियोजना में कि हल्के और मध्यम लक्षणों वाले कोरोना के मरीजों की देखभाल उनके घरों पर ही की जाएगी इसके अलावा हरियाणा में क्या हुआ है दोस्तों हरियाणा में योग के प्रचार प्रबंधन विनियमन और प्रशिक्षण के लिए हरियाणा योग आयोग की स्थापना के उद्देश्य से हरियाणा योग आयोग विधेयक 2021 पारित किया गया है यानी हरियाणा में हरियाणा योग आयोग बनने वाला है और उसके लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया है दोस्तों हरियाणा योग आयोग विधेयक 2021 अगला करंट अफेयर्स है ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा हाल ही में मुंडिया डी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है तो दोस्तों आंसर होगा इसका बनारस दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा मुंडिया डी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन मुंडियाडी रेलवे स्टेशन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है और ये वाराणसी के यानी बनारस के मुंडुआडी क्षेत्र में स्थित है अब हम बात करते हैं रेलवे के बारे में कुछ तो रेलवे की भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 8 मई 1945 को और इसका हेडक्वाटर कहाँ है न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है अश्विनी वैष्णव है और चेयरमैन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है सुनीत शर्मा दोस्तों भारतीय रेलवे के बारे में हम कुछ और बातें जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान से सुनिएगा भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी तो 1905 में की गई थी मेट्रो मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है श्रीधरन जो है वो मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध है भारत में सबसे पहले रेल का शुभारंभ किसने किया था तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है तिरसठ किलोमीटर है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों 1950 में हुआ था रेल मंत्रालय ने बिलेज ऑन व्हीकल्स नामक परियोजना किस वर्ष शुरू की थी 2004 में भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है तो भारतीय रेलवे का दोस्तों भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है तो सत्रह क्षेत्रों में या सत्रह जोन में बांटा गया है भारत की पहली रेल मुंबई से थाने के बीच चली थी जिसकी दूरी कितनी थी तो चौंतीस किलोमीटर दूरी थी दोस्तों भारत में प्रथम रेल कब चली थी तो 16 अप्रैल अठारह को

फिर इसके बाद अब किसको मिला है सानिया मिर्जा को गोल्डन वीजा मिल जाने के बाद सानिया अपने पति के साथ 10 साल तक यूएई में रह सकती हैं दोस्तों यूएई का जो गोल्डन वीजा है यह क्या है तो ध्यान से सुनिएगा अगर किसी व्यक्ति को यूएई का गोल्डन वीजा मिल जाता है तो वह 10 साल तक वहां पर रह सकता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2019 से और दुबई के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और शासक कौन थे दोस्तों शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और सबसे पहले इसकी शुरुआत किसके लिए की गई थी निवेशकों के लिए और व्यापारियों के लिए लेकिन 2020 में कुछ और चीज़ें जोड़ी गई जैसे विशेष डिग्रीधारियों के लिए डॉक्टरों के लिए विज्ञानिकों के लिए और प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए यह गोल्डन वीजा जारी किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि बिना रोक टोक के आप दस साल तक यू में रह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बात आई है यू की तो इसकी राजधानी अबू धाबी है और सबसे बड़ा नगर या सबसे बड़ा शहर दुबई है तो यहाँ की राजभाषा क्या है दोस्तों अरबी है यहाँ के राष्ट्रपति कौन है ध्यान से यू ए के राष्ट्रपति कौन है खलीफा बिन जायद अल नाहयान और प्राइम मिनिस्टर कौन है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम दोस्तों यू की बात करें तो यू के कुछ पड़ोसी देशों को देखते हैं कौन कौन है सऊदी अरेबिया ओमान इसके पड़ोसी देश हैं दोस्तों अब हम रिवीजन प्रश्नों की बात करते हैं कि अब हम

चलने से पहले एक जानकारी दे देते हैं आपको अगर आप राजा गुप्ता को अनएकेडमी पर फॉलो करना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें और कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा राजा नंबर वन दोस्तों आप जैसे ही ये कोड यूज करेंगे तो आप कोर्स खरीदते हैं तो उसमें आपको छूट दी जाएगी इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा यहाँ पर डेली कुछ होते हैं और इसके अलावा रिविजन टेस्ट भी होते हैं आप हमें खबरी पर भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में